वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि हो क्या रहा है, कहीं कैटलिन की बात सच तो नहीं थी। कमरे के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं जिसके लिए कैटलिन ने ये मोमबत्तियां जलाई थी। कमरे के अंदर की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी जिस कारण वर्चस्विनी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वर्चस्विनी ने अपने मुंह में अभी भी हवा भर कर रखी थी जिसकी मदद से वो मोमबत्ती को बुझाने वाली थी। तभी तारा के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी शक्तियां बढ़ गई हैं, उसकी शक्तियां बढ़ गई हैं। जैसे ही वर्चस्विनी तारा के बड़बड़ाने की आवाज सुनती है, वो मोमबत्ती को वहीं पर जलता हुआ छोड़ देती है और हड़बड़ाहट के साथ तारा के बेड के पास जाती है। तारा सपने में बड़बड़ाई जा रही थी, उसकी शक्तियां बढ़ गई हैं, कई मौतें होने वाली हैं। तारा बार बार यही बड़बड़ाई जा रही थी। तारा को नींद में से जगाने के लिए वर्चस्विनी तारा को छूने ही वाली थी कि तभी तारा चुप हो जाती है। वो अब कुछ नहीं बड़बड़ा रही थी। तारा के चुप होने के साथ ही कमरे के अंदर की लाइट नॉर्मल हो जाती है। अब वो बार बार बंद चालू नहीं हो रही थी। तारा शांत तो हो गई थी पर वर्चस्विनी का मन अब बेचैन हो गया था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि तारा क्या बड़बड़ा रही थी, किसकी शक्तियां बढ़ गई हैं, किसकी मौत होने वाली है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और कायर किचन के अंदर पिज्जा बना रहे थे जिसकी महक किचन के अंदर महकने लगी थी। इन 9 महीनों में युग ने अच्छे से जिंदगी बिताने के लिए कई सामान खरीद लिए थे। कायर पिज्जा के ऊपर कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च रखते हुए कहता है, इसे इसके ऊपर ही रखना है ना। युग झट से कहता है, हाँ यार वहीं पर रखना है, तूने कभी पिज्जा नहीं बनाया क्या जो ऐसे पूछ रहा है। कायर जवाब देता है, तू पिज्जा बनाने की बात कर रहा है, मैंने तो कभी खाया तक नहीं, हमारे रोंकामुचा गांव में ये सब नहीं चलता है, और तुझे क्या लगता है ये सब करने से शालिनी की याददाश्त लौट आएगी। युग पिज्जा को ओवन में रखते हुए कहता है, डॉक्टर प्राची ने कहा तो था कि यदि हम शालिनी को पुरानी यादें ताजा कराएं तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है, और तुझे पता है शालिनी को ना पिज्जा बहुत पसंद था कॉलेज में, अक्सर हम यही ऑर्डर किया करते थे कैंटीन में। कायर बड़बड़ाता है, पिज्जा ऑर्डर कर करके ही तो उसने तेरी जेब ढीली करवा दी, और जैसे ही तेरी जेब खाली हुई वो तुझे छोड़कर चली गई और अब पता नहीं क्यों लौट कर आई थी। युग तुरंत पूछता है, क्या कहा तूने। कायर बात को पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तू पिज्जा बना ना, देख कहीं जल ना जाए। कुछ ही देर में पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है। युग उसे प्लेट में निकालता है और उसे लेकर शालिनी के कमरे की तरफ जाने लग जाता है। कायर वहीं पर रुकता है क्योंकि वो अपने और युग के लिए एक और पिज्जा बना रहा था। युग ने उसे पिज्जा बनाना सिखा दिया था। जब युग शालिनी के कमरे के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि शालिनी कमरे के अंदर लगे आईने में अपना चेहरा देख रही थी। युग शालिनी से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था जिस कारण उसे आईने के अंदर शालिनी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी बड़े ही गौर से अपना चेहरा आईने के अंदर देख रही थी। वो अपना चेहरा देखने में इतना खो गई थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि उस कमरे के अंदर युग आ गया था जो उसे एकटक नजर से देखे जा रहा था। शालिनी बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी जैसे वो उसका चेहरा ना हो। युग धीरे धीरे अपने कदम शालिनी के पास बढ़ाने लग जाता है। युग आईने के अंदर शालिनी का चेहरा देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आईने के अंदर शालिनी को अपने चेहरे में ऐसा क्या नजर आ रहा था कि वो आईने से अपनी नजरें नहीं हटा रही थी। युग शालिनी के पास पहुंचकर आईने के अंदर उसका चेहरा देखने ही वाला था कि तभी वो पीछे पलट जाती है और युग को वहां पर अचानक देखकर डर जाती है। युग पिज्जा दिखाते हुए कहता है, हाय मैं ये पिज्जा लेकर आया था। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, सीधे बेड पर जाकर बैठ जाती है। युग बेड पर पिज्जा रखते हुए कहता है, मेरा नाम युग है। शालिनी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, पता है मुझे। युग झट से पूछता है, कैसे पता, क्या तुम्हें सब कुछ याद। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शालिनी उसे टोकते हुए कहती है, वो क्लिनिक में डॉक्टर ने आपका नाम बताया था ना। युग अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम ये पिज्जा खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तुम्हें भूख लगी होगी। शालिनी पिज्जा की तरफ देखने लग जाती है। शालिनी के मुंह को देखकर युग समझ गया था कि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, बस वो खाने में हिचकिचा रही थी। शालिनी कुछ देर तक पिज्जा की तरफ ऐसे ही देखती है पर फिर अगले ही पल अपने हाथ से पिज्जा की ब्रेड का निवाला तोड़ने लग जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह रोटी का निवाला तोड़ा जाता है। युग हंसते हुए कहता है, इसे ऐसे नहीं खाते हैं, ये रोटी नहीं है पिज्जा है। युग पिज्जा का एक कोर पकड़ता है और अपने हाथ से शालिनी को खिलाने लग जाता है।
जैसे ही शालिनी पिज्जा का पहला कौर खाती है, युग को लगने लग जाता है शालिनी को जरूर कुछ याद आ जाएगा। वो आस लगाए शालिनी के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है, पर शालिनी कुछ नहीं कहती है। युग शालिनी के चेहरे को देखते हुए कहता है, कुछ याद आया? कॉलेज में अक्सर हम ऐसे ही पिज्जा खाया करते थे कैंटीन में। शालिनी ना में अपना सिर हिला देती है। युग अभी भी अपने हाथ में पिज्जा पकड़े हुए था। तभी उसे एहसास होता है कि वो अब यामिनी से प्यार करता है, ना कि शालिनी से। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे बस शालिनी को उसकी यादाश्त वापस दिलानी है, ना कि उससे नजदीकियां बढ़ानी है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि शालिनी ने मेरे साथ क्या किया था। इतना कहकर युग पिज्जा को वापस से प्लेट में रख देता है। शालिनी उस पिज्जा को फिर से उठाती है और एक निवाला खाते हुए कहती है, क्या हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे? युग खुश होते हुए शालिनी को पुरानी यादें याद दिलाते हुए कहता है, हाँ शालिनी, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे बैंगलोर में। मेरी मैकेनिकल ब्रांच थी और तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। तुम मेरी जूनियर थी और मैं तुम्हारा सीनियर, पर एक साल में ही ये जूनियर और सीनियर का डिफरेंस खत्म हो गया था। हम दोनों एक ही सेमेस्टर में आ गए थे, एक साथ एक ब्रांच में। शालिनी कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आप और मैं एक ब्रांच और सेमेस्टर में आ गए थे, पर कैसे? आपकी और मेरी ब्रांच तो अलग अलग थी ना, फिर कैसे हम एक क्लास में आ गए? युग शालिनी के सवाल का कुछ जवाब देता, उससे पहले ही कुछ जलने की स्मेल आने लग जाती है। युग कुछ सूंघते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है? युग ने इतना ही कहा था कि कायर के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। अरे युग, जरा यहाँ पर आना, लगता है ये पिज्जा ओवन में रखे रखे ही जल गया। जल्दी आ यार, कहीं इसमें आग ना लग जाए। युग बड़बड़ाता है, ये कायर ना, इससे एक काम अकेले नहीं होता है। युग शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, शालिनी तुम जब तक पिज्जा खाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर युग वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब युग कायर ने पिज्जा का जो रायता नीचे फैलाया था उसे साफ करके वापस शालिनी के कमरे में आता है, तो देखता है कि शालिनी पूरा पिज्जा खाकर बेड पर आराम से सो चुकी थी। युग शालिनी को देखते हुए बड़बड़ाता है, बड़ी अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले ही तो उठी थी शालिनी, कितना सोती है ये? शायद दवाई का असर हो, अक्सर दवाई खाने के बाद ज्यादा नींद आती है। खैर छोड़ो, जब वापस जाग जाएगी फिर उसे हमारी अधूरी प्रेम कहानी सुनाऊंगा, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए और मुझे पता चल जाए कि वो यहाँ पर किस काम से आई थी। रात के 8 बज गए थे और इस तरफ वर्चस्विनी हॉल में बैठकर अपना लैपटॉप चला रही थी। उसकी बेटी तारा अभी भी अपने कमरे में सो रही थी। लैपटॉप पर काम करते वक्त भी वर्चस्विनी को बार बार उसकी तारा का ख्याल ही उसके मन में आ रहा था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये तारा अभी तक उठी क्यों नहीं? बहुत देर हो गई है, अब तक तो इसे उठ जाना चाहिए था। ये आज खाना खाएगी या नहीं, या फिर ऐसे ही सोते रहेगी? काम करते वक्त वर्चस्विनी के मन में बार बार यही सवाल आ रहे थे, आते भी कैसे नहीं? एक माँ जो थी। वर्चस्विनी ताज की चोरी के केस को सुलझाने में लगी हुई थी। उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बनवारी का खून जहाँ पर हुआ था उस स्पॉट के फोटो ओपन करके रखे हुए थे। वो एक एक फोटो को जूम करके देख रही थी, इस उम्मीद से कि कुछ न कुछ सबूत तो कातिल ने छोड़ा होगा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर बनवारी का खून कैसे हुआ था और किसने किया था। वर्चस्विनी स्पॉट की एक एक फोटो जूम करके देख ही रही थी कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर चार्ली और जाटव खड़े हुए थे। वर्चस्विनी उन दोनों को देखते हुए कहती है, तुम दोनों, वो भी यहाँ? चार्ली मायूसी के साथ कहता है, हाँ मैडम जी, वो आपने उस विशाल को पकड़ने के लिए बोला था ना। चार्ली ने इतना ही कहा था कि वर्चस्विनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर, आओ अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है, ठंड लग जाएगी तुम दोनों को। चार्ली और जाटव मायूसी के साथ अंदर घुस जाते हैं और सीधे जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वर्चस्विनी वापस से लैपटॉप चलाते हुए कहती है, हाँ तो तुम विशाल के बारे में कुछ बता रहे थे, चार्ली पकड़ लिया ना उसे, उसने अपना मुंह खोला या नहीं? चार्ली रुंधे स्वर में जवाब देता है, मैडम जी, मुंह तो वो तब खोलता ना जब हम उसे पकड़ पाते। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, मतलब तुम्हारे वहां पर पहुंचने से पहले ही वो विशाल अपने घर से भाग गया? जाटव बीच में बोल पड़ता है, नहीं मैडम जी, हम तो उसके घर वक्त रहते पहुंच गए थे, पर वो घर विशाल का नहीं था, किसी और का था, उसने गलत एड्रेस दिया था। वर्चस्विनी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले चार्ली बोलता है, सिर्फ एड्रेस ही नहीं मैडम जी, उसने तो अपना मोबाइल नंबर भी गलत दिया था, वरना मैं उसके मोबाइल को ट्रैक करवा देता।
वर्चस्विनी गुस्से से उबलते हुए कहती है, तुम दोनों कैसे काम करते हो चार्ली? जाटव, उस दिन जब मैंने उसका पता मोबाइल नंबर नोट करने बोला था तो नंबर लिखते समय चेक नहीं किया था क्या कि वो रॉन्ग एड्रेस दे रहा है या सही? चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, वो मैडम जी, उस विशाल को कहीं जाने में देर हो रही थी इसीलिए जल्दी जल्दी मैं चेक नहीं किया था। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, चार्ली तुम्हें पता है ना वो विशाल इस केस की हमारी आखिरी उम्मीद था, पर अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया। अब क्या करेंगे हम? ना ही हमारे हाथ विशाल लग पाया ना ही वो कुत्ता, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं दोनों। चार्ली डरते हुए कहता है, मैडम जी आप फिक्र मत कीजिए, हमने विशाल के पोस्टर जगह जगह लगा दिए हैं, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। और सिर्फ विशाल के ही नहीं बल्कि उसका जो वो काला कुत्ता था ना जिसकी मदद से उसने ताज की चोरी करवाई थी, उसके भी पोस्टर लगवा दिए हैं। ये बात सुनकर वर्चस्विनी के दिल को थोड़ी तो तसल्ली होती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। चार्ली और जाटव वहीं पर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं और इंतजार करने लग जाते हैं वर्चस्विनी के ऑर्डर का कि कब वो उन्हें वहां से जाने का बोले और वो वहां से पहली फुर्सत में निकले। पर वर्चस्विनी कुछ नहीं बोल रही थी, उसने वापस से अपना दिमाग लैपटॉप में लगा लिया था। वो बनवारी की दुकान के अंदर की फोटो को बार बार देख रही थी। चार्ली समझ गया था कि वर्चस्विनी काम में लग चुकी थी, अब उसे ही इजाजत लेनी पड़ेगी तभी वो वहां से जा सकेगा, वरना ऐसे ही चुप खड़ा रहा तो एक घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चार्ली वर्चस्विनी से इजाजत लेने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी वर्चस्विनी स्पॉट की फोटो को जूम करते हुए चार्ली से पूछती है, चार्ली ये बनवारी चिलम पीता था क्या? चार्ली जवाब देता है, नहीं मैडम जी, जितना मुझे पता है बनवारी चिलम नहीं पीता था। वर्चस्विनी फिर पूछती है, तुम पूरी तरह से कन्फर्म हो चार्ली? चार्ली अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ मैडम जी मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूँ, मैंने बनवारी के बारे में पता किया था, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था इस वजह से मीठी सुपारी तक नहीं खाता था, तो फिर भला चिलम कैसे पिएगा? वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए पूछती है, वो बनवारी के यहाँ जो दो भाई काम करते थे क्या नाम था उनका? जाटव झट से बोल पड़ता है, अंबर और पीताम्बर मैडम जी। वर्चस्विनी जाटव की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ वही, क्या उन दोनों भाइयों में से कोई चिलम पीता था? चार्ली तुरंत जवाब देता है, नहीं मैडम जी उन दोनों भाइयों में से भी कोई चिलम नहीं पीता था, हाँ वो जो बड़ा वाला भाई था वो गुटखा खाता था, मैंने तो इसी बात पर पूछा भी था, बता और कौन कौन से नशे करता है तू, तो कहने लगा सर बस गुटखा खाने की लत है और कोई सी नहीं। वर्चस्विनी खुद से बड़बड़ाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो होगा जो चिलम पीता होगा। चार्ली हिचकिचाते हुए पूछता है, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं मैडम जी, आपको क्या करना है ये जानकर कि कौन चिलम पीता है कौन नहीं? वर्चस्विनी लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।